हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.25। इसमें कह रहे डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया इज सब्जेक्टेड टू ए डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या रिमेन सेम होंगे व्हेन डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू ली सेक्लियर प्रिंसिपल, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको डिस्टर्ब करोगे तो वो काउंटर इफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा उस जो आपने डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पे एक इधर वन मॉलिक्यूल है और यहां पे वन टू मॉलिक्यूल है, तो PCl5 डिसोसिएट होकर टू मॉलिक्यूल PCl3 और Cl2 में वो बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो तो आप ये किस डायरेक्शन में हो, काउंटर इफेक्ट, रिड्यूस कैसे होगी, मतलब वापस इंक्रीज प्रेशर कैसे इंक्रीज हो। अरे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है, आप उसके वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, तो वो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा। जैसे मान लो ये अपना कंटेनर है, ठीक है, इसमें PCl5 भी है और PCl3 भी है, PCl3 और प्लस Cl2 है। ठीक है, अब यहां पे आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए, वॉल्यूम क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब ये प्रेशर वापस इंक्रीज कैसे हो, वो क्या करेंगे कि ये जो नेट रिएक्शन है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। उसका कारण क्या है कि ये वन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में वो हो रहा है, तो यहां पे जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो वापस धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होगा ना, आपने डिक्रीज किया हो तो वापस प्रेशर इंक्रीज होने चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेज हो जाएंगे। या ये बोलो कि अब अगर आपसे ये पूछे कि किस डायरेक्शन में नेट रिएक्शन होगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो सॉलिड को तो छोड़ दो, सॉलिड छोड़ दो, इधर एक वो है मॉलिक्यूल CO का है। ठीक है, तो इसमें अगर प्रेशर डिक्रीज करे तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, इस सॉलिड से एक गैस मॉलिक्यूल बन रहा है इधर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में करोगे तो यहां प्रोडक्ट की नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड सॉलिड अराउंड, यहां पे भी चार मॉलिक्यूल है और यहां पे भी चार मॉलिक्यूल, दोनों साइड है, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे। ठीक है।